तरह से लोग बाग जो है ये देख लीजिए दोस्तों, इतना मशक्कत भरा यह काम होता है, साधारण सबके बस की बात नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं, जहां पर माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो तेजी से शुरू हो चुकी हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से ये लोग काफी मशक्कत के बाद पांटून को तैयार करते हैं। ये पूरे पूरे तैराक लोग हैं या। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है। इधर आप देख पाएंगे यह है त्रिवेणी संगम, और यहाँ पर जमीन का समतलीकरण किया जा रहा है ट्रैक्टर के जरिए। एक पूरा का पूरा माघ मेला का परिक्षेत्र है, इधर आप देख पाएंगे ये बहुत सारे ट्रैक्टर हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आए हैं, जहाँ पर आप लोगों को माघ मेला 2024 की तैयारियों का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों बता दें कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जिस दिन माघ मेला 2024 को लेकर भूमि पूजन किया गया था उसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। और बता दें कि अब माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुकी हैं। तो आज आप लोगों को प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2024 की तैयारियों का नज़ारा दिखाने के लिए हम पुनः प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में मौजूद हैं। यहाँ पर आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से पांटून के जो पुल होते हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, पांटून बनाने शुरू हो गए। इधर आप देख पाएंगे बड़े बड़े पीपा जो हैं कुछ इस तरह से रखे गए हैं, और पीपा के ऊपर जो बिछने वाले गाटर हैं कुछ इस तरह से हैं, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अभी लेकर चलते हैं आप लोगों को पूरी पूरी तैयारियों का जायजा करवाते हैं कि दरअसल क्या क्या यहाँ पर हो रहा है और कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही हैं, तैयारियों में क्या क्या बनना शुरू हो गया है। ये आप देख पाएंगे ये गाटर है, ये वर्कर्स हैं कुछ इस तरह से काम करते नज़र आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यानी कि काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया है माघ मेला 2024 का, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब माघ मेला 2024 की जो तैयारियां हैं 25 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आने वाले माघ मेला स्नान 2024 में, यानी कि माघ मेला 2024 में जो पहले स्नान पड़ेगा, पहले स्नान के पहले ही जो तैयारियाँ हैं वो सुचारू रूप से सम्पन्न हो जाएंगी। ये चक्कर प्लेट वगैरह इधर आप देख पा रहे हैं, ये पूरी चक्कर प्लेट वगैरह यहाँ पर रख दी गई है। और आइए बैक कैमरे से आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे कैसे पांटून के पुल बनाए जाते हैं। तो आइए दर्शकों तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से आप देख पाएंगे किस तरह से क्रेन के जरिए जो पीपा है उसको उठाकर महावीर यानी पांटून नंबर एक पर ले जाया जा रहा है, और इस तरह करके पांटून बनने स्टार्ट हो गए हैं। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब 25 दिसंबर 2023 को माघ मेला की जो तैयारियां हैं वो सुचारू रूप से संपन्न हो पाएंगी। इसके बाद बता दें कि जो माघ मेला 2024 का जो पहला स्नान होगा उस पहले स्नान से पहले ही माघ मेला 2024 की जो तैयारियाँ हैं वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े जो पांटून हैं उनको क्रेन के जरिए से कुछ इस तरह उठाकर ले जाया जा रहा है। उसके बाद इसको यहाँ से पानी के सहारे ले जाकर यानी कि पांटून नंबर एक महावीर पर ले जाया जाएगा। इस तरह करके महावीर के बाद जितने भी पांटून बनेंगे, इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि एक पांटून बढ़ा दिया गया है। जैसे कि प्रत्येक वर्ष माघ मेले में 5 पांटून बनाए जाते थे, इस बार नाग वासुकी नाम का जो एक पांटून होगा वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि अतिरिक्त श्रेणी में कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे माघ मेला का जो परिक्षेत्र है कुछ ऐसा है जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़े बड़े पांटून हैं, ये बनने शुरू हो गए हैं। पांटून बनाने का मकसद यही होता है कि जो भी कल्पवासी श्रद्धालुगण जो आते हैं यहाँ पर, कुछ तो गंगा के इस पार होते हैं, कुछ गंगा के उस पार होते हैं, तो इसलिए पांटून बनाए जाते हैं जिससे कि जो आने जाने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उनको आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनका आवागमन काफ़ी सुगम हो। ऐसे में आप देख पाएंगे ये वो लोग हैं जो तैराकी में पूरी तरह से निपुण होते हैं, यानी कि तैराकी में काफ़ी महारत हासिल होती है लोगों को, तैराक लोगों के सहारे ही पांटून को तैयार किया जाता है। इस तरह से लोग बाग जो है ये देख लीजिए दोस्तों, इतना मशक्कत भरा यह काम होता है, साधारण सबके बस की बात नहीं है। इस तरह से लोग बाग इस गाटर को उठाकर लेकर जाते हैं और इस तरह से निर्माण करते हैं पांटून का। पांटून कैसे ले जाया जाता है वो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे पानी के सहारे कुछ इस तरह से लोग बाग इसको बहाकर उस स्थान पर ले जाने का काम करते हैं जहाँ पर पांटून बनना निर्धारित किया जाता है। तो ये आप देख पाएंगे दोस्तों, ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर माघ मेला 2024 की जो तैयारियाँ हैं वो
तेजी से शुरू हो चुकी हैं। यह पूरा परिक्षेत्र इधर आप शास्त्री ब्रिज देख पाएंगे जो कि झूसी और दारागंज के मध्य स्थित है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी ही तेजी से शुरू हो चुका है प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों का काम, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। और अभी हम लेकर चलते हैं आप लोगों को त्रिवेणी संगम, जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां पर चलकर तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या जो जमीन का समतलीकरण है वो होना शुरू हो गया है या फिर नहीं, क्या कुछ हो रहा है, वो सारी सारी तस्वीरें आप लोगों के समक्ष साझा करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरह से ये लोग काफ़ी मशक्कत के बाद पॉन्टून को तैयार करते हैं। ये पूरे पूरे तैराक लोग हैं, ये आप देख पा रहे हैं। पॉन्टून के ऊपर गाटर पहले ले जाएंगे, गाटर के बाद इसको जाम करने का काम करेंगे और उसके बाद इस पार से उस पार तक पुल बनाने का काम करेंगे और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा माघ मेला 2024। और उसके बाद आप लोगों को माघ मेला में ही तमाम अलग अलग अखाड़े के तमाम साधु संत महात्मा, अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के लोग यहाँ पर आएंगे, दूर दराज से चलकर कल्पवासी और श्रद्धालुगण यहाँ पर आएंगे। वो तस्वीरें हम आपको निरंतर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज हम आप लोगों को यह दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि माघ मेला 2024 को लेकर किस तरह से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं, वो सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे थे तस्वीरें, जो पॉन्टून का पुल बनाया जा रहा है, तो पॉन्टून के पुल बनाने में दादा का बड़ा सहयोग रहता है। दादाजी जो है मेट है, मेट यानी कि जो 10 वर्कर होते हैं उनको ये लीड करते हैं। तो आइए दादाजी से जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो पॉन्टून का जो काम है वो कैसे चल रहा है और कब तक कम्प्लीट हो पाए। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम गुल्लर सिंह है, मैं मेले का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा अच्छा। और हम पुल बनाने का काम करते हैं, शुरू से आज तक करते हैं। आप भी कभी काम करते थे? सब दिन काम किया साहब, काम तो गाटर हम लोग भी उठाते थे, गाटा बेड़ा फेंक देते थे। अच्छा। प्लेट भी उठाते थे। तैरना आता है दादा? तैरना आता है। हाँ। और क्या, इसको को हम अभी बुढ़ाई में पार कर देंगे। अच्छा, और क्या। क्या बात है। तो अभी अभी दादा कौन सा पॉन्टून आप बनवाने का काम कर रहे हैं? अभी नंबर एक महावीर, महावीर उसको बनवा रहे हैं। आपके अंडर में कितने लेबर हैं? हमारे अंडर में 10 लेबर हैं, हमको लेके 10 लेबर आपको लेके। हाँ। अच्छा, कितना देते हैं वर्कर्स को? वर्कर्स हमारे बेचारे साहब मार खा रहे हैं, बताइए। पेट ऐसी चीज है साहब कि कुछ न कुछ करना पड़ता है। गाटर ढोना है, 400-500 रुपया अगर मिलता है। बड़ी मशक्कत, आप तो देख रहे हैं ना कितने में। आपको कितना मिल जाता है? अरे सर, हम तो 50,000 पर। 50,000? जी 50,000 जी। सही बताइए? सही बता रहे हैं। फिक्स सरकारी मेट है ना? अच्छा, हम सरकारी मेट है ना, पहले वर्कर से भी सरकारी मेट हो गए। क्या बात है। सुन रहे हैं दोस्तों, दादाजी काफ़ी मशक्कत के हैं। दादाजी ने बताया कि पहले हम भी कभी गाटर ढोते थे, हम भी काम करते थे जैसे लेबर कर रहे हैं, लेकिन इनके काम को मद्देनजर रखते हुए इनको सरकारी मेट बना दिया। 50,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह है दादा की, है ना दादा जी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा दादा ये? अब हम कल से पूजा करेंगे। हाँ, कल से मैं भगवान का नाम लेंगे, भगवान के भरोसे काम होते हैं। अब हम भगवान के सहारे जीते हैं। अब कल हम काम शुरू करेंगे। चरण सीमा हमारे अधिकारी मेरे सर पे सवार हैं। अच्छा अच्छा, हमारे अधिकारी हमारे सर पे सवार हैं। 25 दिसंबर तक हो जाएगा? उम्मीद तो करेंगे हम 25 दिसंबर तक। अच्छा, पिछले साल की अपेक्षा इस बार लेट नहीं है? लेट तो खैर वाह, इसी बात नहीं, हम छोड़ नहीं, हम बोलेंगे। अगर पहले हम काम करते थे तो सब काम पुल पे शुरू हो जाता, जैसे यहाँ हो रहा है। आज ये हमारे हमारे साहिबन का तारीफ है, हम भी तारीफ करेंगे कि हाँ वो जल्दी से काम शुरू करा दिया। चलिए ठीक है। तो आप दादा को सुन पा रहे थे जो कि दादा एक मेट है, पॉन्टून बनवाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से पॉन्टून बनाया जा रहा है। दोस्तों अभी तस्वीरों में आप बने रहे, लेकर चलते हैं आप लोगों को जमीन का समतलीकरण दिखाते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह लगा दिए गए हैं, जमीन का समतलीकरण होने लगा है। और दोस्तों एक बार तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखा दें। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से क्रेन के सहारे जो पीपा है उसको उठाकर पानी में रखा जा रहा है, फिर पानी में रखने के बाद इसको बहा कर ले जाया जाएगा उस जगह पर जहाँ पर पॉन्टून बनना होगा। तो अभी पॉन्टून नंबर एक का काम शुरू हो गया है, पॉन्टून नंबर एक बनना शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से काफ़ी कड़ी मशक्कत करने के बाद बनाए जाते हैं पॉन्टून के पुल, और काफ़ी रिक्शी होता है। ऐसे में जो मजदूर होते हैं वो 500 रुपये कोई 400 रुपये की दिहाड़ी पे काम करते हैं। इतना बड़ा खतरा मोल लेने के बाद ये आप देख पा रहे हैं
ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की त्रिवेणी संगम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर माघ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर लोग बाग संबंधित विभाग सतर्क हो चुका है, अलर्ट हो चुका है और अपने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और एक बार तस्वीरें हम आपको यहाँ पे दिखा दें, पांटून में लगने वाले लंगर का निर्माण किया जा रहा है। ये लंगर है, इसको लंगर बोलते हैं, ये पांटून के पुल में लगाया जाता है, इसलिए ताकि जो भी पांटून पानी में बहाए जाएं वो यथास्थित बने रहें और वो बहने ना पाएँ, जिसके चलते इसको निर्माण किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इधर ये लंगर है, लंगर बना के जो है इसको पानी में फेंका जाएगा, जिसके बाद से ये पांटून को रोकने में सहायक होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और आगे लेकर चलते आप लोगों को दिखाते हैं कि ज़मीन का समतलीकरण कैसे और कहाँ पर किया जा रहा है। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है। इधर आप देख पाएंगे यह है त्रिवेणी संगम, और यहाँ पर ज़मीन का समतलीकरण किया जा रहा है ट्रैक्टर के जरिए। एक पूरा का पूरा माघ मेला का परिक्षेत्र है। इधर आप देख पाएंगे ये बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, और ये जो ट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान से आए हुए ट्रैक्टर हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मेले में चलकर ये आते हैं और जमीन समतलीकरण करने का काम करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं और ये माघ मेला की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस तरह से ज़मीन का समतलीकरण किया जा रहा है और साथ ही यह रोड बनाने का काम किया जा रहा है। ये यानी कि रोड नंबर एक है, जिसको महावीर मार्ग के नाम से जानते हैं, और यहीं पर आगे बनेगा पांटून नंबर एक, यानी कि पांटून का पुल बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये तैयारियाँ कुछ इस तरह से शुरू हो गई हैं माघ मेला 2024 की, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से ट्रैक्टर के जरिए ज़मीन का समतलीकरण किया जा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में ज़मीन का समतलीकरण किया जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है। और इधर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये यानी कि राजस्थान से आए हुए ट्रैक्टर हैं। ज़्यादातर जो ट्रैक्टर होते हैं जो यहाँ पर समतलीकरण करने का काम करते हैं वो राजस्थान से ही बुलाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज की त्रिवेणी संगम की, यानी कि प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2024 की जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा किस तरह से पॉन्टून बनने स्टार्ट हो गए हैं, और ये महावीर मार्ग है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, यानी कि महावीर मार्ग रोड नंबर एक और पॉन्टून नंबर एक। ये आप देख पा रहे हैं ट्रैक्टर के ज़रिए कुछ इस तरह से ज़मीन का समतलीकरण किया जा रहा है और साथ ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो कि आप इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों की दिखा रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से ट्रैक्टर के ज़रिए तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2024 की जितनी भी तैयारियां हैं या फिर प्रयागराज में लगने वाले माघ मेला 2024 में कैसे कैसे संत आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे कल्पवासी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी की सारी गतिविधियाँ आप लोगों को समक्ष साझा करेंगे। यानी कि माघ मेला 2024 के जितने भी नज़ारे होंगे वो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल आज की यात्रा को। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।